और सारे फुद्दू फुद्दू लीडर आए सारे, ठीक है। मोदी ने जेड़ा है बिल पास करया, जमा गलत करया, इहदे नाल किसानी खत्म हो जूगी। जेड़े ये अकाली सरकार है, कांग्रेस सरकार है, कोई भी है, इन्हां दे विच पिंडां दे विच असीं तूड़ियां वाली सभातां खाली करी जांदे आ, इन्हां नूं फड़ के इमिजिकली कुटांगे। 70-75 जाने असीं इकट्ठे हो के आए आ, यूथ साडी सारी बस करा के लिआए आ, असीं नाल खड़े आ। जिन्ना चिर साडा हक नहीं मिलदा असीं इत्थों उठना नहीं, असीं आपदा हक लैके जाणा। अच्छा, मोदी साहब, कैप्टन साहब और प्रकाश सिंह बादल को क्या कहना चाहेंगे? और सारे फुद्दू फुद्दू लीडर आए सारे, ठीक है। मोदी ने जेड़ा ये बिल पास करया, जमा गलत करया, इहदे नाल किसानी खत्म हो जूगी। सारे जिमीदार किसान भाई, मजदूर भाई, ये सारिया दे लई हैगा, ठीक है ना। जो चलदा वो किसानी दे सिर ते चलदा, जे किसानी खत्म होगी अपना देश बिल्कुल गरीब हो जू। जे अपने प्राइवेट कंपनियां कोले सारा सिस्टम आ गया, वो तो अनाज आपके हिसाब नाल बेचणगियां, तोड़ कर देणगियां ते मन लो महंगा बेचणगियां। ये जड़ी ये चीज़ ना किसानी नूं धक्का लगन वाला ना, साडा फ्यूचर खराब हो जू। ये तो पता लगता भी साडा फ्यूचर है जो खत्म है, इस तो बाद एंड है। जो नौजवान पीढ़ी है, मैं तो एक गल कहना भी जेडे नौजवान पिंडां दे विच घरां च बैठे है, वो आओ आप धरना लाइए। जो ये जेडे बने हुए हैं हाकम बड़े, इन्हां नूं पता लगे भी किसान साडा किन्ना विरोध करते हैं। आप पटियाले जाओ, बादल आओ, जिथे भी धरना उत्थे पहुँचो, जरूर पहुँचो। लॉकडाउन च सारा कुछ बंद सीगा, मैं कहना गा भी आपा दो थाई ना रखिए, ज्यादा पटियाला दे इत्थे ना रखिए, आपा हर एक थां धरना लाइए, सारा पंजाब बंद करिए, ताकि इन्हां नूं पता लगे भी यूथ पिछे नहीं हैगा। यूथ दी भी जे यूथ जुड़ा, साडे बजुर्ग खड़े है, इन्हां ने तां आपदी जिंदगी हंडा ली। जे साडा यूथ नूं पता लगे भी असीं आपदा फ्यूचर हंडाउणा है, उन्हां नूं चाहीदा भी आपां भी इन्हां धरनियां दे विच आईए। सो इन्हां नूं पता लगे कैप्टन बादल कहिंदे नूं जिहड़े बणे होए आ, जिहड़े इत्थे बोल रहे ने, एक यूथ है पंजाब दा यूथ, जिहड़ा जेकर लोग सोचते हैं कि बाहर चला जाता है, कनेडा चला जाता, आस्ट्रेलिया चला जाता है, यह यूथ हुण बाहर नहीं जा रहा, यह यूथ इत्थे लोगों की आवाज़ बन रहा, अपने बजुर्गों के नाल खड़ा है। जी सर, आप बोलिए, हैं क्यों डर रहे हैं, बताइए डिमांड क्या है, नाम बता दो। रणजीत सिंह जी, ये किसान हैं, ये समर्थन में आए हैं? जिहड़े ये अकाली सरकार है, कांग्रेस सरकार है, कोई भी है, इन्हां दे विच पिंडां दे विच असीं तूड़ियां वाली सभातां खाली करी जांदे आ, इन्हां नूं फड़ के इमिजिकली कुटांगे ते जा रखणगे नहीं आपदा कनेडा अमरीका वाले, ये आप जा सकदे उत्थे कम कर लैण। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप बोल नहीं रहे थे, जब बोला तब कह दिया कि सत्ता को वो तूड़ी रखने वाली जो एक कमरा होता है उसके अंदर डाल के पीटेंगे पशुओं वाले कमरे में, पिटांगे इन्हां नूं, इन्हां नूं चाह नहीं पीनी, कौन नहीं पीनी, असीं इन्ने लोग इकट्ठे होके आए हैं, जो हरसिमरत कौर साढ़े पिंड जाती है, असी चाह फड़ाने इन लहरा दूर कोट उतो असी चाह पिने, सारा कुछ करते इन्हों, पर साड़ी इन्ह ने अज तक सुनी नहीं, कितने सानू आए सी बादल साहब के पिंड आए हैं, कोई माड़ा मोटा साड़ा सुनूगा, ये तो आप चंडीगढ़ बैठे कितने कितने बैठे है, साड़ी कोई गल नहीं, कोई बात नहीं सुनता। एक किसान का दर्द आप समझ सकते हैं कि ये लोग सब हैं यहाँ पर। मैं आज हैरान हूँ कि 1000 से ऊपर के लोगों की आबादी होगी, जत्थे आ रहे हैं, गाड़ियां भर भर के आ रही हैं, 100-100 लोग एक एक बस में आ रहे हैं और भर भर के, और कम से कम 1 किलोमीटर की सड़क जो प्रकाश सिंह बादल जी के घर के सामने है उस पर धरना है, उस पर लोग बैठे हैं, 5 किलोमीटर का सड़क एकदम बंद कर रखा है, प्रकाश सिंह बादल के गाँव आने वाली मेन रोड बंद है, किसानों के बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर जत्थे पहुँच रहे हैं। जी सर, आप बोलिए, क्या बोलना है? अभी 70-75 जने सदूलगढ़ तो हैं, जू साहब का इकट्ठा आपके पैसे इकट्ठे करके आए हैं, जिन्ना चिर सानू साडा हक नहीं मिलता असीं इत्थों जांदे जीए। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, ये डिमांड है इनका, साडा हक इत्थे रख जी। अभी जेड़ा भी संघर्ष चल रहा है, जिवें हुण धरनिया का चल रहा है, जे धरने लगे तो धरनिया के असी इस तरह लड़ांगे, बाकी जिवें साडी यूनियन कॉल करूगी, जे कोई होर भी सानू संघर्ष करना पिया तो असी उस तरीके भी करांगे। सरकार ना जे सरकार साडी सुनदी आ तो इत्थे ही ठीक आ, जे नहीं सुनदी तो जे सानू आउट ऑफ स्टेट भी संघर्ष करना पिया तो असी हर तरह का संघर्ष जिस तरह का होगा करांगे, आउट ऑफ स्टेट भी जाएंगे। साफ कहना है इनका कि ये काफिला जो हजारों लोगों का है, ये पंजाब से निकलकर कभी भी दिल्ली की ओर कूच कर सकता है, यही कहना चाहते हैं ना आप लोग? हाँ, जो साड़ी यूनियन ने कहा तो असि दिल्ली भी जा सकते हैं। दिल्ली दुल्ली का लड़े जी, कितने जाना पैजे, मरना पैजे, सानू ये तो असं पूरा लड़ांगे, पूरा लड़ांगे।
आप किसानों का ये संघर्ष देख सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे किसान भाई हैं और वो आप क्या बताना चाहते हैं उनसे सुनते हैं। जी सर आप बोलिए। हाँ जी, जेड़ा सरकार सा हक खोलना चाहूंगा जी, वो हक अभी नहीं जमा के नहीं फैक्ट्री लगा देनी है ना कोई फिल्टर लगा देना जी। सरकार की कोई भी चीज फिर तब जड़ी नहीं लगा देनी जी। पहला की फसल मर के फसल तैयार कर देनी जो तो नालों ना तो टैक्स भी देंगे जी। फिर कहा हम पराली का मुद्दा आता जी, पराली के मुद्दे से कहते अग नहीं लाने सू महंगे महंगे छत लेने पड़ते।